नरेंद्र मोदी 2024 में कोलिशन गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, लेकिन सवाल उठते रहे हैं कि क्या गठबंधन की सरकार चल पाएगी। चल पाएगी तो कितने दिन चल पाएगी? जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हों तो समय समय पर इनका मन बदलता रहा हो, तो ऐसे में क्या वो गठबंधन के साथ रह सकते हैं? क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे कई कहानियां हैं। कहानी ये भी है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में गिर गई थी। तो उस वक्त TDP यानी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसका भी उसमें हाथ रहा था। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सवान, आप देख रहे हैं स्विच। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को NDA में बड़ी ही इज्जत मिल रही है। आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि जहां जहां नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, वहां वहां आपको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। वजह साफ है कि नीतीश की JDU और नायडू की TDP की वजह से ही NDA को बहुमत के आंकड़े तक पहुँचने में काफ़ी मदद मिली है। BJP के पास 240, TDP के पास 16 और JDU के पास 12 सांसद हैं। लेकिन आपको उस दौर में अब ले चलते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 महीने में गिर गई थी। साल था 1999 और अप्रैल का महीना था। अटल बिहारी वाजपेयी PM हुआ करते थे और सरकार थी NDA की। उस वक्त भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं था। BJP के पास 182 सांसद थे और कांग्रेस के पास 114 सांसद थे। आपको यह भी याद होगा कि 1996 के चुनाव में BJP को 161 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 140 सीटें मिली और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन मात्र 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। फिर 6 चुनाव वहां पर होते हैं। 1998 में वो चुनाव हुए, अटल बिहारी की दूसरी बार सरकार बनती है, NDA की गठबंधन वाली सरकार थी वो। लेकिन 1999 में मात्र 13 महीनों बाद ही NDA यानी कि गठबंधन जो सरकार थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा में वोटिंग होती है, लेकिन महज 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर जाती है। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे हुआ, TDP इसमें कैसे शामिल है, चलिए वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नेता GMC बालजोगी उस वक्त सदन के स्पीकर हुआ करते थे। स्पीकर के पास संसद को कानून के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसके पास कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो एक वोट जो वाजपेयी सरकार के खिलाफ पड़ा था, उसमें दो तरह की कहानियां सामने निकल कर आती हैं। आपको दोनों ही कहानियों के बारे में यहाँ पर बताएंगे। चलिए पहली कहानी के बारे में आपको बताते हैं। तो पहली कहानी में ऐसा कहा जाता है कि अटल सरकार के खिलाफ वो एक वोट गिरधर गमांग ने डाला था। ये कांग्रेस के नेता थे, GMC बालजोगी जो स्पीकर थे, इस वोट में उनकी भी भूमिका काफ़ी अहम थी, क्योंकि गिरधर गमांग जो थे वो GMC बालजोगी ने ही उनको वोट डालने की परमिशन दी थी। अब सवाल ये कि NDA की सरकार उस वक्त गिरने की नौबत आखिर आई कैसे। लेकिन एक किताब है जिसे कहते हैं वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, उसमें भारत के उस दौर का जिक्र मिलता है जब जयललिता के खिलाफ इनकम टैक्स के केसेस भी शामिल होने की बात कही गई थी। वो तमिलनाडु के करुणानिधि सरकार की बर्खास्तगी और अपने दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी के लिए मंत्री पद की भी वहाँ पर ख्वाहिश रखती थी। अब अमूमन यही वजह होती है कि गठबंधन सरकार में कई पार्टियों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो मुख्य पार्टियों से शर्तों की मांग होने लगती है। जब मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सरकारें अक्सर गिर जाया करती हैं। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। तो वाजपेयी के किरदार में आप उनको जानते ही हैं कि वो कैसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उन्हें जयललिता की जो मांगें थीं वो रास नहीं आ रही थीं। पहले कई मांगों को भी अटल जी पहले भी पूरा कर चुके थे, लेकिन अब और मांगें उनको स्वीकार नहीं थीं। 6 अप्रैल को AIADMK के मंत्रियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद 11 अप्रैल को जयललिता राष्ट्रपति से मिलकर अपना समर्थन वापस लेने की बात करती हैं NDA सरकार से। संसद सत्र भी उस वक्त चल रहा था। राष्ट्रपति KR नारायणन वाजपेयी को विश्वास मत लाने के लिए कहते हैं। फ्लोर टेस्ट में वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़ते हैं और 270 वोट उनके अगेंस्ट में पड़ जाते हैं। मात्र 1 वोट का अंतर होता है और सरकार गिर जाती है। बताया जाता है कि वो 1 वोट गिरधर गमांग का था। खूब कंट्रोवर्सी होती है इस पर, क्यों होती है वो भी समझिए। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर गिरधर गमांग सांसद बने थे। 1999 में ओडिशा चुनाव हुए और गिरधर गमांग को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब वैसे तो उनको सांसद के पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उस टाइम पे नहीं हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल SGopalan ने लोकसभा स्पीकर GMC बालजोगी को
सलाह दी कि गिरधर गमांग को वोट देने दिया जाए। जीएमसी बालयोगी ने इस पर फैसला गिरधर गमांग पर ही छोड़ दिया था। वैसे सदन का जो स्पीकर होता है उसके नाते अगर जीएमसी बालयोगी चाहते तो गमांग को वोट करने से रोक सकते थे। गमांग कांग्रेस से थे वो, तो उन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से ही वाजपेयी सरकार के विरोध में वोट कर दिया। हालांकि बाद में गमांग जो कहते रहे हैं कि सरकार गिराने में उनका हाथ नहीं था, तो यहाँ अब आती है दूसरी कहानी। तो वो किसका नाम लेते हैं, तो दूसरी कहानी में यह बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की सहयोगी उस वक्त हुआ करती थी। एक सांसद थे सैफुद्दीन सोज, जिन्होंने अटल सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया था। ये भी अटल सरकार के गिरने का एक कारण बताया जाता है। तो ये थी दूसरी यहाँ पर कहानी। अब गठबंधन सरकार में ये खतरा तो होता ही है कि कभी कभी कोई जो छोटे दल होते हैं वो सरकार गिरा सकते हैं। खैर, अटल जी की सरकार वाले केस में देखें तो टीडीपी के स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी वहाँ पर। वैसे लोकसभा के स्पीकर के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, संविधान के हिसाब से उनको सदन चलाना होता है, संसदीय मामलों में एक्शन लेने होते हैं, सांसदों की बैठकों का एजेंडा तय करना होता है, कोई अगर रूल तोड़ता है तो उसको निलंबित करने का फैसला या अधिकार भी स्पीकर के पास भी होता है। अलग अलग मौके पर अलग अलग जिम्मेदारियां स्पीकर को दी गई हैं। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइएगा। साथ ही एक सवाल आपके लिए भी यहाँ पर है कि गठबंधन सरकारों का भविष्य आखिर क्या होता है, क्योंकि पिछले दो टर्म में बीजेपी को बहुमत थी, अकेले चाहती तो सरकार बना लेती, लेकिन इस बार अकेले बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। एनडीए में शामिल बाकी दलों पर भी बीजेपी को निर्भर होना पड़ रहा है। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या फ्यूचर रहता है ऐसी सरकारों का। जरूर कमेंट करिए और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।